नाम मेरा बोलता है खुली चिट्ठी है हुण लग पैखणा के खड़ सुन मिठी है नाम मेरा बोलता है खुली चिट्ठी है हुण लग पैखणा के खड़ सुन मिठी है एक पासे हो गया रकाने गबरू दुनिया विचारे साली कंध बन गई हर थावे वैर पै गए तेरे करके तू जितने दी जात दी पसंद बन गई लैन लग पई हां मुखड़े मेरे ते संग रहन लग पई जदों दिया नाम तेरा लैन लग पई सखियां दे विच वे हदेरे छा गए जदों दिया चन्ना तेरा चंद बन गई सहेलियां दे विच मेरे पै गए फल ले जितन दी तेरी मैं पसंद बन गई सहेलियां दे विच मेरे पै गए फल ले जितन दी तेरी मैं पसंद बन गई पसंद बन गई उतार मैनू फिर देने तेरी लोर नी बड़िया दा लगे आप आए जोर नी रोनी टुट पैना तेरा किथे मन दा डरी ना बना दूंगा कलैरी मोर नी पक्की वैल पुणिया दी जपे माणा वे तेरा यार गिल तेरे नालो वध खाणा अज नाली पिंड गोरिये कबर दी पक्की है तू मंग बन गई हर थावे वैर पै गए तेरे करके तू जितन दी जात दी पसंद बन गई सहेलियां दे विच मेरे पै गए फासले जितन दी तेरी मैं पसंद बन गई कदे तेथों सैंडल नहीं मंगे कदे तेथों जुत्ती नहीं मंगी तेथों जुत्ती नहीं मंगी तेथों जुत्ती नहीं मंगी कदे तेथों चुमके नहीं मंगे जीन कदे गुच्ची नहीं मंगी कदे गुच्ची नहीं मंगी गुच्ची नहीं मंगी कूर के ताए दा मैनू वेखे जिवें हीरिया दी खान मंग ली झांजरा ਰਾਹੀ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨ ਮੰਗ ਲਈ ਚੱਜ ਰਾਹੀ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨ ਮੰਗ ਲਈ ਚੱਜ ਰਾਹੀ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨ ਮੰਗ ਲਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਆਸਾਰ ਦੀ ਰਕਾਨ ਤੇਥੋਂ ਜਿੰਦ ਵਾਰ ਦੀ ਲੱਭਿਆ ਨੀ ਲੱਭਣੀ ਏ ਫੇਕ ਦੁਨੀਆ ਚ ਜੱਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਆਸਾਰ ਦੀ ਰਕਾਨ ਤੇਥੋਂ ਜਿੰਦ ਵਾਰ ਦੀ ਲੱਭਿਆ ਨੀ ਲੱਭਣੀ ਏ ਫੇਕ ਦੁਨੀਆ ਚ ਜੱਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ ਡਿਮਾਂਡ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਮੰਗ ਲਈ ਝਾਂਜਰਾਂ ਝਾਂਜਰਾਂ ਹੀ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨ ਮੰਗ ਲਈ
ਚਾਜਰਾ ਹੀ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨ ਮੰਗ ਲਈ ਚਾਜਰਾ ਹੀ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨ ਮੰਗ ਲਈ ਸ਼ਰਨੈਕਸਸ प्यार वाला जो बूटा वड दू सच कहनिया दिल चो कड दू हैप्पी आकड़ करनी छड दे नहीं ता जट्टी तैनू छड दू प्यार वाला जो बूटा वड दू सच कहनिया दिल चो कड दू हैप्पी आकड़ करनी छड दे नहीं ता जट्टी तैनू छड दू आकड़ा नू फेर की करेगा किसे होर नेर कान मंग ली ਸੀ ਮੈਂ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨ ਮੰਗ ਲਈ ਚਾਜਰਾ ਹੀ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨ ਮੰਗ ਲਈ ਚਾਜਰਾ ਹੀ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨ ਮੰਗ ਲਈ ਚਾਜਰਾ ਹੀ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨ ਮੰਗ ਲਈ ਚਾਜਰਾ ਹੀ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨ ਮੰਗ ਲਈ ਸੁਣੀ ਅੱਲੜੇ ਸ਼ਰਾਰੇ ਵਾਲੀਏ ਅੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਚਨੀ ਗਰਾਰੇ ਵਾਲੀਏ ਅੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਚਨੀ ਗਰਾਰੇ ਵਾਲੀਏ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਅੱਲੜੇ ਸ਼ਰਾਰੇ ਵਾਲੀਏ ਅੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਚਨੀ ਗਰਾਰੇ ਵਾਲੀਏ ਕਿਹੜਾ ਹੋਮ ਟਾਉਨ ਕਿਹੜੇ ਆਈ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚੰਨ ਤੇਰੇ ਜੇ ਹਜਾ ਤੋਂ ਚੰਨ ਵਰਗੀ ਕੁੱਚੀ ਨਾਲ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਖੇਡ ਚਾਦਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨੀ ਮਿਲਾਇਆ ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਆ ਐਵੇਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਚੀ ਨਾਲ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਖੇਡ ਚਾਦਰਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਝ ਬੋਝ ਰੱਖਦੀ ਗੁੱਚੀ ਨਾਲ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਖੇਡ ਚਾਦਰਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਝ ਬੋਝ ਰੱਖਦੀ
ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਨੀ ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦਿਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਨੀ ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੰਗਲ ਸੀ ਮੈਂ ਤੂੰ ਵੀ ਕੱਲੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸਿੰਗਲ ਸੀ ਮੈਂ ਤੂੰ ਵੀ ਕੱਲੀ ਮਿਲ ਗਈ ਚੱਲਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲੀ ਮਿਲ ਗਈ ਚੱਲਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ जिस दिन तू हां कर देनी कर लांगे रोकानी तेरी तारीफ च गाने लिखने मैं सिख लेने कुछ कु गुरनाम फुलर दे कापी ते लिख लेने करूं हर प्रॉमिस पूरा करूं हर प्रॉमिस पूरा दिंदा ना धोखा नी कन्ना नू वालियां ते नक नू धोखा नी जिस दिन तू हां कर देनी कर लांगे रोका नी कर लांगे रोका नी एले विच मैरिज पैरिस हनीमून लई डन करता मेरी जान तो कट सोना तू कल एंक्शस मैं चन करता एले विच मैरिज पैरिस हनीमून लई डन करता मेरी जान तो कट सोना तू कल एंक्शस मैं चन करता अनलिमिटेड प्यार मेरा है लवी संभाल बिलो मुंडा डायमंड वर्गा देवी ना ताल बिलो तेरे पे मरता जाऊं तेरे पे मरता जाऊं खुद को मैंने टोका नी कन्ना नू वालियां ते नक नू टोका नी जिस दिन तू हां कर देनी कर लांगे रोका नी हत्थां विच हत्थ होणगे बीणी विच कंगणा नी दिल दी गल दिल नू कह दे छड दे हुण संगणा नी हत्थां विच हत्थ होणगे बीणी विच कंगणा नी दिल दी गल दिल नू कह दे छड दे हुण संगणा नी बड़ी अमेजिंग होणी साडी लव स्टोरी आ डेट ते लै जाणा मैं दुनिया तो चोरी आ मेरे तो दूर होण दा मेरे तो दूर जाण दा देना ना मौका नी कन्ना नू वालियां ते नक नू टोका नी जिस दिन तू हां कर देनी कर लांगे रोका नी कन्ना नू वालियां ते नक नू टोका नी जिस दिन तू हां कर देनी कर लांगे रोका नी शर्नैक्स Very simple music.
बत्ती बोर तेरी तोर वेंदे मोर तेरी तड़ी भी आलोर तेरी जिमे रूड़ी मारका नब्बी विच भीम नाल वैलियां दी टीम जिड़ा चाके दमकीन पांच मिंटा विच पारदा हो बाड़ा वैलियां तू फब्बे कुड़ी नू जान जान के सताउंदी जात नूं तेनी तेरा तेरे जट तेनी चल दे केसनी अरे जट सौर नाल हार के जान कपतान नाल लाउंदे जड़े रेसनी ग्यारह तेरे लक तेनी बारह तेरी अख तेनी तेरा तेरे जट तेनी चल दे केसनी अरे जट सौर नाल हार के जान कपतान नाल लाउंदे जड़े रेसनी वे तू दिसे सच्चे खब्बे कुड़ी नूं ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਘੜੀਆਂ ਵੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆ ਨਾ ਬਖਸ਼ੇ ਨਾ ਛੱਡੇ ਵੇ ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੱਸ ਕੱਢੇ ਹਾਏ ਵੇ ਜੀਨੇ ਵੇ ਮਕਾਲਿਆ ਆਕੜਾਂ ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਵੇ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਘੜੀਆਂ ਵੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆ ਨਾ ਬਖਸ਼ੇ ਨਾ ਛੱਡੇ ਵੇ ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੱਸ ਕੱਢੇ ਹਾਏ ਵੇ ਜੀਨੇ ਵੇ ਮਕਾਲਿਆ ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਖਰੇ ਨਾ ਤਾਉਂਦੀ ਜੱਤ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਜੋ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਦਿਲਦਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਹਿ ਖਹਿ ਕੇ ਆਉਣ ਜੋ ਹੱਦ ਕਰ ਦੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੋਲੇ ਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੱਚਦੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਪਟੋਲੇ ਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੱਚਦੀ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਵੇ ਮੜਕ ਮੁਟਿਆਰ ਦੀ
ਗੱਲਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਸਿਰੇ ਤੂੰ ਚੜਾਵੇ ਹੋ ਸਦਰਾਂ ਵੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕਰ ਪਾ ਕੇ ਵਿਚੋਲੇ ਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੱਟਦੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਪਟੋਲੇ ਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੱਟਦੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਪਟੋਲੇ ਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੱਟਦੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਪਟੋਲੇ ਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੱਟਦੀ ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਾ ਉਮਰਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਵੱਡੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਕੰਡੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚ ਕੱਢੇ ਆ ਉਮਰਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਵੱਡੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਕੰਡੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚ ਕੱਢੇ ਆ ਬੰਦੇ ਪੂਰੇ ਕਿੱਲ ਨੀ ਗਾਦਰ ਜੇ ਦਿਲ ਨੀ ਚੜਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹਿੱਕਾ ਫਿਰੇ ਠਾਰਦੀ ਚੜਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹਿੱਕਾ ਫਿਰੇ ਠਾਰਦੀ ਧੁੱਪਦੀ ਆ ਗੇਮੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਲ ਤੇ ਜੇ ਅੜਦੀ ਦਿੱਸੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਫੋਨ ਮਾਰਦੀ ਗੇਮੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਲ ਤੇ ਜੇ ਅੜਦੀ ਦਿੱਸੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਫੋਨ ਮਾਰਦੀ ਫੋਨ ਮਾਰਦੀ ਫੋਨ ਮਾਰਦੀ ਓਡੀਆਂ ਨਾ ਪੈਂਦੇ ਨੀ ਟੋਚਣ ਜਾਣੇ ਫੋੜ ਦੇ ਚੱਕਦੇ ਨੀ ਰੈਡ ਬੁੱਲ ਗਿੱਜੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋੜ ਦੇ ਓਡੀਆਂ ਨਾ ਘੁੰਮਦੀ ਆ ਗੇਮੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਲ ਤੇ ਜੇ ਅੜਦੀ ਦਿੱਸੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਫੋਨ ਮਾਰਦੀ ਘੁੰਮਦੀ ਆ ਗੇਮੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਲ ਤੇ ਜੇ ਅੜਦੀ ਦਿੱਸੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਫੋਨ ਮਾਰਦੀ ਫੋਨ ਮਾਰਦੀ ਫੋਨ ਮਾਰਦੀ ਨੰਬਰ ਸੇਵ ਕਰ ਲਈ ਮੇਰਾ ਬੰਦੇ ਧਰਨਾਟ ਬਿੱਲੋ ਜਿੰਨਾ ਨਾਲ ਯਾਰੀਆਂ ਵੈਲੀਆਂ ਨੇ ਫੜਾਂ ਕਦੇ ਫੋਕੀਆਂ ਨੀ ਮਾਰੀਆਂ ਬੰਦੇ ਧਰਨਾਟ ਬੰਦੇ ਧਰਨਾਟ ਬਿੱਲੋ ਜਿੰਨਾ ਨਾਲ ਯਾਰੀਆਂ ਵੈਲੀਆਂ ਨੇ ਫੜਾਂ ਕਦੇ ਫੋਕੀਆਂ ਨੀ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰੀ ਕੇਰਾ ਚੈੱਕ ਨੀ ਭਰਦੇ ਨੇ ਜੈੱਕ ਨੀ ਲੈਣੀ ਸਰਪੰਚ ਪੱਕੀ ਆਉਂਦੇ ਵਾਰ ਦੀ ਲੈਣੀ ਸਰਪੰਚ ਪੱਕੀ ਆਉਂਦੇ ਵਾਰ ਦੀ ਘੁੰਮਦੀ ਆ ਗੇਮੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਲ ਤੇ ਜੇ ਅੜਦੀ ਦਿੱਸੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਫੋਨ ਮਾਰਦੀ ਘੁੰਮਦੀ ਆ ਗੇਮੇ ਵੀ If you're ever in trouble, phone this guy. He's the only one I can trust. ਓ ਜੱਟ ਗਰਨੇਡ ਜਿਹਾ ਖੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੀ ਸੁਰਖ ਬੁੱਲਾਂ ਚੋਂ ਕਹਿ ਦੇ ਵਿੱਕੀ ਤਾਲੀ ਵਾਲ ਨੀ ਜੱਟ ਗਰਨੇਡ ਤੇ ਜੱਟ ਗਰਨੇਡ ਜਿਹਾ ਖੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੀ ਸੁਰਖ ਬੁੱਲਾਂ ਚੋਂ ਕਹਿ ਦੇ ਵਿੱਕੀ ਤਾਲੀ ਨਾ ਗੱਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਗੌਰ ਦੀ ਐਵੇਂ ਫਿਰੇ ਡੋਲਦੀ ਬਣ ਜਾ ਰਕਾਨੇ ਸਾਡੀ ਸਰਦਾਰ ਨੀ ਘੁੰਮਦੀ ਆ ਗੇਮੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਲ ਤੇ ਜੇ ਅੜਦੀ ਦਿੱਸੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਫੋਨ ਮਾਰਦੀ ਘੁੰਮਦੀ ਆ ਗੇਮੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਲ ਤੇ ਜੇ ਅੜਦੀ Yeah, mixing in the house. Sukh Sangeeda phone maar di. Just records phone maar di. ਸੌਰਾ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਤੇਰਾ ਫਿਕਰ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਹੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਨੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇ ਸੌਰਾ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਤੇਰਾ ਫਿਕਰ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਹੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਨੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇ ਹੈਗੀ ਆ ਚੁਆਇਸ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨੀ ਚਲਾ ਲਈਏ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਰਦਾ ਕਨੇਡਾ ਚ ਡਰਾਈਵਰੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਲੀਏ ਜਵਾਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ
ਆਗੂ ਜਾ ਕੇ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਪੈਣਾ ਨੀ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਬਸ ਦੀਜੇ ਆ ਲੱਭ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਜਾ ਕੇ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਪੈਣਾ ਨੀ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਬਸ ਦੀਜੇ ਆ ਗੱਭਰੂ ਸਾਕ ਕਿਤੇ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਲੰਘਾ ਲਈਏ ਐਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਵਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀਏ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਵਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀਏ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੀਕ ਪੂਰਾ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਚ ਰਹਿਣ ਹੋ ਕੇ ਭਰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਇਹੋ ਜੇ ਕਰੇ ਜੀ ਤੋ ਕੀ ਦੱਸ ਜੀਜਿਆ ਰੱਬ ਦੇ ਪੜਾਕੂ ਜਾ ਕੇ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਪੈਣਾ ਨੀ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਬਸ ਜੀਜਿਆ ਰੱਬ ਦੇ ਪੜਾਕੂ ਜਾ ਕੇ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਪੈਣਾ ਨੀ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਬਸ ਜੀਜਿਆ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੁਕਾ ਲਈਏ ਟੋਰਾਂਟੋ ਚ ਕਰਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀਏ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਡਰਾਈਵਰੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀਏ ਦਿਲ ਦੀ ਜੇ ਪੁੱਛੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਾਰਤੇ ਅੱਖ ਮੇਰੀ ਜੀਜਾ ਗੁਰਨਾਮ ਕਲਾਕਾਰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜੇ ਪੁੱਛੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਾਰਤੇ ਅੱਖ ਮੇਰੀ ਜੀਜਾ ਗੁਰਨਾਮ ਕਲਾ ਜਸ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਪੁੱਛ ਲਈ ਦੇਣਗੇ ਨੰਬਰ ਉਹਦਾ ਦੱਸ ਦੀਜੇ ਆ ਲੱਭ ਦੇ ਪੜਾਕੂ ਜੱਕ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਪੈਣਾ ਨੀ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਬਸ ਜੀਜੇ ਆ ਟੋਰਾਂਟੋ ਚ ਕਰਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀਏ ਲੱਭ ਦੇ ਪੜਾਕੂ ਜੱਕ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਪੈਣਾ ਨੀ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਬਸ ਜੀਜੇ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀਏ ਟਰਸਟ ਮੀ ਕੁੜੀਏ ਆਈ ਸਵੈਰ ਮੈਂ ਹੋਰਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਯਾਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਚੀਟ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਹੈਪੀਨੈਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਊ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖੂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੀਏ ਤੇਰੀ ਬਿਊਟੀ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖੂ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਲ ਐਡਿਕਟਿਡ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਖੋ ਗਿਆ ਤੈਥੋਂ ਕੀ ਪਰਦਾ ਨੀ ਟਰਸਟ ਮੀ ਕੁੜੀਏ ਆਈ ਸਵੈਰ ਮੈਂ ਹੋਰਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਯਾਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਚੀਟ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਫੇਸ ਕੁੜੀਏ ਨੀ ਕਦੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੁੜੀਏ ਨੀ ਬੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟ ਜਿਹਾ ਏ ਤੇਰਾ ਫੇਸ ਕੁੜੀਏ ਨੀ ਕਦੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੁੜੀਏ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੀਵਾਨਾ ਮਸਤਾਨਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਰਦਾ ਨੀ ਟਰਸਟ ਮੀ ਕੁੜੀਏ ਆਈ ਸਵੈਰ ਮੈਂ ਹੋਰਾਂ ਵਰਗਾ ਨੀ ਲਾ ਕੇ ਯਾਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਚੀਟ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀਏ
क्या ड्रेसिंग सेंस तेरी, नखरे दे क्या कहने, ब्यूटी 100% तेरी, बड़ी ब्रांड कॉन्शियस, क्या ड्रेसिंग सेंस तेरी, नखरे दे क्या कहने, ब्यूटी 100% तेरी, शौक पूरे सारे करू नारे, खर्चे तो डरदा नहीं, ट्रस्ट मी कुड़िए आई स्वैर मैं होरा वर्गा नहीं, लाके यारी तेरे ना तेन चीट मैं करदा नहीं। कुछ सूट करे हर कलर च फबदी तू, प्रीत जज नूनी किन्नी सोहनी लगदी तू, तैनू सब कुछ सूट करे हर कलर च फबदी तू, प्रीत जज नूनी किन्नी सोहनी लगदी तू, अपनाल अजमाल ना दूरी जरदानी, ट्रस्ट मी कुड़िए आई स्वैर मैं होरा मरगा नहीं, लाके यारी तेरे ना तेनु चीट मैं करदा नहीं, हुंडलंद पीछिया ले नस के जैसे बतिया बतारू हस हस के मन कर तर कट ले नस के हम तुम्हारा सिवा दूसरा के ना चाहनी हो, तू हमारा के चाहे लू ई सोच के बड़ी खुश रहनी हो। अब सोचने वाली बात ये थी कि ये आदमी कौन था। दोस्तों ये डेविड था जो फिल्म की स्टार्टिंग में दिखा था। ये यहाँ पर एलिजाबेथ के साथ आया था। डेविड इन सभी को एलियन के बारे में सब कुछ बता देता है। डेविड ने यहाँ पर कई चीजों पर एक्सपेरिमेंट भी किए होते हैं। वो बहुत ही स्वार्थी हो चुका था। हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो जब यहाँ पर आया था तो यहाँ पर कई सारे लोग रहते थे, लेकिन डेविड ने उन सभी को मार दिया था, यानी कि मौत की नींद सुला दिया था, क्योंकि डेविड ने उन सभी पर एक्सपेरिमेंट किए थे। वो ये बातें दूसरे रोबोट को बता रहा हो। दोस्तों ये डेविड था जो फिल्म की स्टार्टिंग में दिखा था। ये यहाँ पर एलिजाबेथ के साथ आया था। डेविड इन सभी को एलियन के बारे में सब कुछ बता देता है। डेविड ने यहाँ पर कई चीजों पर एक्सपेरिमेंट भी किए होते हैं। वो बहुत ही स्वार्थी हो चुका था। हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो जब यहाँ पर आया था तो यहाँ पर कई सारे लोग रहते थे, लेकिन डेविड ने उन सभी को मार दिया था, यानी कि मौत की नींद सुला दिया था, क्योंकि डेविड ने उन सभी पर एक्सपेरिमेंट किए थे। वो ये बातें दूसरे रोबोट को बता रहा होता है। वो कहता है कि तुम ये बातें किसी और को नहीं बताओगे, क्योंकि तुम भी मेरी तरह उन्हें हमला कर दिया होता है। और देखते ही देखते वो सभी उसे अपना भोजन बना लेते हैं और मेलिनी और साथी भी वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन वो भी उन हाइब्रिड बच्चों के प्लान का एक हिस्सा होता है। वो बच्चे अब उन्हें भी घेर लेते हैं। इसके बाद मेलिनी और उनके बीच एक फाइट होती है, जिसके बाद वो बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। अब ये सभी लैब पहुंच जाते हैं। वहां मौजूद कैलरिन अब लैब में एक गैस फैला देती है, जिसकी वजह से कैलरिन को छोड़ सभी बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर मेलिनी को घसीट कर ऑपरेशन के लिए ले जाती है। अब ये सच सामने आता है कि डॉक्टर कैलरिन को एक ब्लड इन्फेक्शन, लेकिन इनमें से कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। अब सिवाज एलेक्स को उसकी कैंपिंग वाली जगह पर ले चलने को कहता है। इसके बाद एलेक्स इनके साथ आगे बढ़ने लगती है। रास्ते में इनको एक पलटी हुई बस मिलती है। नेट जब उस बस को चेक करता है तो उसमें एक गन और एक चाबी मिलती है। मिली हुई गन को नेट अपने पास छुपा लेता है, जिसे वो वोल्टर को दे देता है।
गाड़ी को खोलने पर इनको उसमें ढेर सारा पैसा मिलता है। सिवाज सबको दो दो भाग लेकर आगे चलने को कहता है, लेकिन वोल्टर जख्मी था इसलिए वो बैग धोने से इनकार कर देता है। सिवाज के फोर्स करने पर वोल्टर उस पर नेट की दी हुई गन के साथ हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें गोली नहीं होती। सिवाज को इससे बहुत गुस्सा आता है और वहाँ जितने भी पिग आते हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं, जो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए वो उन्हें मार देती है। अब ये लोग मैकेनिक की तलाश में उस औरत के साथ उसके घर पहुंचते हैं। अब बातों ही बातों में हेनरी का जिक्र होता है, जो वो उनसे हेनरी के लुक के बारे में पूछती है और एक फोटो भी दिखाती है। वो कहती है कि हेनरी उसका कजिन है। ये सुनते ही दोनों काफ़ी घबरा जाते हैं और वहाँ से जाने का फैसला करते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि कैबिन के पास एक लेडी इंस्पेक्टर आती है जिसका नाम विंगस्टन होता है। उसे पोल बताता है कि उन पर एक इन्फेक्टेड इंसान ने अटैक कर दिया था। वो अब रिपोर्ट लिखती है, लेकिन उस वक्त उस इंस्पेक्टर का बिहेव थोड़ा अजगर्द होता है। वो जब जूते निकालता है तो वो हैरान रह जाता है। वो देखता है कि उसका पैर एक भेड़ की तरह हो गया है। अब उन्हें कई भेड़ अपनी ओर आते हुए नजर आते हैं। ये देखते ही वो भागने लगते हैं। भागते भागते एक लैब में चले जाते हैं जहां भेड़ों पर एक्सपेरिमेंट किया गया था। वहां उन्हें बिना खाल की एक भेड़ नजर आती है जिस पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। इसी बीच एक साइंटिस्ट वहां आ जाती है। वो उनसे पूछती है कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो, और काफी गुस्सा करने लगती है और एंगर भी वहीं होता है। हेनरी उससे इसके बारे में पूछता है तो वो कहता है कि मैंने इसके मूवी के बजट के बारे में कुछ गोलमाल है। इसी बीच हमें एक और पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देख पाते हैं कि अनामिका अपनी लाइफ अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपनी मां की मर्जी से जी रही है, और उसे ये पता चलता है कि उसके पति और उसकी मां ने बैंक अकाउंट के सारे पैसे निकाल लिए हैं। ये बात जानकर वो अपने प्रेमी के पास चली जाती है और उससे कहती है कि आई एम विद यू, यानी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और फिर आगे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ लंदन जाने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद अनामिका अपने घर पर आती है तो हम देख पाते हैं कि उसका पति कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता है। अब डेलन यही सोच रहा था कि ये सब थ्रेडियस की गेम है, क्योंकि सारे हॉर्समैन्स ने मिलकर उसको अरेस्ट कराया था, और थ्रेडियस कहता है कि ये सब मैंने नहीं कराया है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये सब कैसे हुआ है, और इस टाइम पे हॉर्समैन्स कहाँ पर है, और मैं तुम्हें उनके पास लेकर जा सकता हूँ, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब मैं जेल से बाहर आऊँ। उधर हम चारों हॉर्समैन्स को एक मैजिक शॉप में देखते हैं, और यहाँ पर डैनियल आई कम्युनिटी को कॉन्टेक्ट करता है, क्योंकि वोल्टर की बात मानने का भी उनका एक रीज़न था कि वो उस चिप को चुरा कर आई को दे देंगे, और इसलिए डैनियल अब आई को कॉन्टेक्ट करता है, और अब वो बहुत ज़्यादा अलर्ट सिक्योरिटी से लड़ूंगा। एजेंट टीनेजर लड़ाई शुरू कर देता है, लेकिन फाइनली एनेबिस उसको पकड़ लेती है, तो एनेबिस सबके सामने लाइव आके उस बच्चे को मार देती है। उसके बाद रेड टेलवन कहता है कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, तो वो उसके पास उसके अड्डे पर जाता है और वहाँ जाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन रेड टेलवन भी मारा जाता है। जब प्रेसिडेंट को इस बात का पता चलता है तो वो परेशान हो जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, रेड टेलवन कैसे मर सकता है। राइट हुक ने एक और बच्चे को ट्रेनिंग दी थी जिसका नाम है लिटिल विंगर्स, वो भी मार्वलस मैन जैसा होता है, और उसे बेचता है एरेबिस के अड्डे पर। वहाँ जाकर वो तबाही मचा देता है और सबको मार देता है। नाइट हुक कोटेक्स से कहता नजर आता है जिसके पास कई भेड़े होती है, उसे अचानक भेड़ों की आवाज आने लगती है जो बेहद डरी हुई मालूम होती है। इस बीच कोई चीज जमीन के अंदर से ही फ्रेड को नीचे की ओर खींचने लगती है। इसके बाद सभी भेड़ भी मारी जाती हैं। अब वहाँ मैकी और अर्ल आते हैं, वो इस भयानक नज़ारे को देखकर बेहद घबरा जाते हैं। वो लोग फ्रेड को ढूंढने लगते हैं, फिर उन्हें जमीन पर उसकी कैप दिखाई देने लगती है। वो उसको उठाते ही वहां से चार कदम की दूरी पर हट जाते हैं। दरअसल हैट के नीचे फ्रेड का कटा हुआ सिर होता है। ये देखने के बाद दोनों वहां से भाग खड़े ऑफ करने के लिए बोलता है, जिसके बाद सभी लाइट्स को बुझा दिया जाता है। अब उसकी बॉडी का चेकअप होता है तो पता चलता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह ही काम कर रहा है। इसी तरह 3 दिन गुजर जाते हैं। अब उसे वापस विजिबल होने के लिए एंटीडोज को इंजेक्ट किया जाना होता है। इंजेक्ट करने के बाद उसके शरीर में तेज दर्द होने लगता है, इसके साथ ही वो विजिबल भी नहीं हो पाता है। उसे अब ऐसा लगता है कि वो मरने वाला है। उसकी हालत काफी खराब होने लगती है। इसे देख उसके सहयोगी उसे एक मास्क लेप लगा देते हैं। अब धीरे धीरे वो मेंटली डिस्टर्ब भी होने लगा था, इसे लेकर काफी परेशान भी था। जिंदा बच पाती है उस लड़की का नाम होता है सैली। उस लड़की ने पुलिस को अपना बयान दर्ज कराया था, जिसके बाद उसने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया, यानी कि इस बारे में उसने कभी भी डिस्कस नहीं किया, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही भयावह कांड था।
दोस्तों उस बयान में उसने एक खूनी का जिक्र किया था, खूनी ने चमड़े का मास्क पहना हुआ था इसलिए वो उसका असली चेहरा देख नहीं पाई थी।